बर्थडे मनाना और बर्थडे विश करना इस्लाम में कैसा है? इस्लाम में बर्थडे जैसा कुछ है ही नहीं। अपने बर्थडे पर विशेस कलेक्ट करना, केक काटना, नाचना गाना, यह ट्रेंड यहूदियों का है। बट अभी के टाइम में बहुत से मुसलमान इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी कौम की मुशाहबत करेगा वो भी उन्हीं में से होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे, नॉन मुस्लिम्स तो खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, सांस भी लेते हैं, तो क्या ये सब भी छोड़ दें? जी नहीं, मुशाहबत मींस कोई ऐसा चीज जिससे उस कौम की पहचान हो, उस चीज को फॉलो करना। बर्थडे मनाना नॉन मुस्लिम्स का तरीका है। इस्लाम में बर्थडे जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर आप चाहो तो उस दिन सदका कर सकते हो, रोजा रख सकते हो, गरीबों को खाना खिला सकते हो, अपने लिए दुआ कर सकते हो, यह सोचकर, या अल्लाह, मैंने अपने पिछले जिंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं सब माफ कर दे। बर्थडे आना मतलब आपकी जिंदगी से एक साल और कम हो जाना, मौत के और करीब आ जाना। और सेलिब्रेशन खुशी का किया जाता है, मौत के करीब आने का नहीं।